नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त पत का है। आपके साथ में शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे। हरदोई के कछौना विधानसभा के वोटरों का 2022 के चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचना है, इस बार कछौना के वोटर किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं, देखिए चुनाव से पहले हरदोई के मन में क्या कुछ है, आइए आपको बताते हैं। चुनावी चकल्लफ में आप सभी का स्वागत है। चाय पर हम चर्चा करेंगे और कछौना विधानसभा में हम इस वक्त खड़े हैं, जहां से भाजपा के विधायक रामपाल वर्मा हैं। आपको बता दें कि यहां पर तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता और यहां की जनता भी है, जो चाय पे आनंद ले रही है। बात करेंगे सबसे भाजपा के लोगों से कि भाजपा ने अभी तक काम क्या किए हैं। बताएं, अपना नाम बताएं। मैं अनूप दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी से। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो न गुंडा राज है, न भ्रष्टाचार है। जितने माफिया हैं सब जेल के अंदर हैं। और विकास की बात करें तो आवास हर गरीब तक पहुंचा है, गैस हर गरीब तक पहुंची है। जो माताएं बहनें चूल्हे में अपना आंखें खराब कर रही थी, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। हर गरीब विकास हुआ है, हमारा विकास नीचे तक पहुँचा है। पहले जो भ्रष्टाचार होता था, राजीव गांधी की सरकार में राजीव गांधी ने ही कहा था कि हम एक रुपए बेचते हैं तो 10 पैसा नीचे तक पहुंचता है। लेकिन दूसरी पार्टियां कह रहे हैं कि गैस भरवा कैसे 1000 नहीं, गैस देखिए सिलेंडर दिया है, खाद नहीं मिलेगी। नहीं, खाद मिल रही है, खाद सबको मिल रही है, खाद का आरोप कोई नहीं लगा सकता। धान कितना बिक रहा? धान देखिए, धान तो बिक रहा है और धान की सरकारी खरीद रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने जो बात करी है वही बात हम करेंगे आपसे। आप बताए, भाजपा जो कह रही है, भाजपा जो कह रही है वो कभी करती नहीं है, कहती बहुत कुछ है, झूठ का पुलिंदा लेकर बैठी है। गैस की बात करें तो गैस आज लोगों के घर में एक कोने में रखा हुआ है। सिलेंडर कहाँ 400 रुपए 299 से सब स्टार्ट हुआ था, आज 1000 रुपए पहुंच, क्या है उसका? सब लोग हम देख रहे हैं लकड़ियां काटने जंगलों में जाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, फिर वही हालत हो गई है। 22 का चुनाव क्या किस मुद्दे पर रहेगा? हमारा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर रहेगा चुनाव। तो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार भाजपा में नहीं हुआ, क्या हुआ बताए तो, कहाँ पे हुआ? आज वाले अस्पतालों में हालत देख लीजिए, जाइए वहाँ पे दवाइयाँ बाहर से लिखी जाएंगी, वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। आदमी परेशान हो गया है, वहाँ जाता है बस लाइन लगा के खड़े रहो, जो वही दवाइयाँ लिख दी जाती बस। आपको एक चीज बता दें कि भाजपा का जो 17 में चुनाव रहा था उसमें रामपाल वर्मा विजयी हुए थे, नीलू सत्यार्थी सेकंड नंबर पर रही थी, वो बसपा से थी, और सुशीला सरोज सपा से थी। सुशीला सरोज तीसरे नंबर पर आई। सुशीला सरोज से लेकर नीलू सत्यार्थी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अभी तक दिखे नहीं है, कारण क्या है बताइए? सपा बसपा वाले दिख नहीं रहे पिछले चुनाव को। देखिए, जितनी भी सरकारें पहले आई सब भ्रष्टाचारी थी, कहीं कहीं पे 8 घंटे लाइट थी, कहीं 4 घंटे लाइट थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है हर जगह 24 घंटे लाइट मिल रही है, सड़कें भी अच्छी हैं और हर गांव में गरीब हो अमीर हो सबको जो है आवास दिए जा रहे हैं। इसमें भेदभाव कुछ भी नहीं है। हम मुसलमान 80% मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम सब उसके साथ है, सपोर्ट और वोट। आप बताएं कि उनके गाँव में घर नहीं बने, सड़क नहीं बनी, क्या बता रहे हैं? रामपाल वर्मा ने जो किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उससे जरिए से हर जगह जो है जहाँ जहाँ लाइटें जो गांव में नहीं थी वहाँ तक लाइटें पहुँची। जो जिस गांव में लाइट 4 घंटे 2 घंटे आती थी या हफ्तों नहीं आती थी वहाँ 20-20 घंटे 24 घंटे लाइट बराबर आ रही। और जहाँ किसानों के खाते में कभी भी पैसा नहीं आया, सबके खातों में जो है किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं और सबको आवाज़ मिले, सबको गैस सिलेंडर मिले फ्री, सबको आवाज़ जिनके खाते चल रहे थे सब, जो खुलवाए गए थे क्या पता किया? बीजेपी ही सरकार बनेगी नहीं चल रहे हैं और यही सरकार हमेशा इंशाल्लाह रहेगी। सपा बसपा वाले कह रहे हैं कि खाद नहीं, धान नहीं बिक रहा, 1900 रुपए का धान 1200 में बिक रहा, बताएं। धान की कीमत बढ़ती जा रही है, गेहूं की रेट बढ़ गए हैं 2000 के ऊपर हो गए हैं और खाद भी बराबर मिल रही है। और आज जो है किसानों से माफी मांग रहे हैं। तब यही काम पहले कर लिए होते तो क्यों इतने हमारे किसान मरे होते? क्या घटनाएं नहीं हुई? मंत्री जी गाड़ियों को चलवा रहे हैं और फिर भी आज मंत्री बने हुए बैठे हैं। भाजपा माफी मांग रही है लेकिन आप लोग माफ नहीं कर रहे हैं। माफ क्या, हम क्यों माफ कर रहे हैं? आप लोग उसको ड्रामा बता रहे हैं। ड्रामा कोई बता दो जो वहाँ घटना हुई, क्या वो झूठ है क्या? लखीमपुर खीरी में जो घटनाएं हो रही हैं क्या है, सभी जानते हैं।
आप ये बताइए कि स्थिति रामपाल वर्मा जो विधायक हैं वो जब से विधायक बने हैं तब से कितनी बार आपसे मिले? हमसे तो एक बार एक को बार भी मुलाकात नहीं और हमने देखा भी नहीं उनको। हम तो यहाँ हमारे चौराहे पे ही रहते हैं, प्लस हमारी शॉप है, हमने उनको देखा ही नहीं। जो मौजूदा विधायक है रामपाल वर्मा जी, हमने उनको देखा ही नहीं है। हालांकि हमने क्या और भी यहाँ पे आप किसी भी से पूछेंगे वो भी बताएगा, भाई जब नजर में आएगा आदमी तो कहेगा हम इनको जानते हैं, है ना। रामपाल वर्मा दिखा ही नहीं 4.5 साल बताइए। 35 साल से विधायक हैं, जितनी तुम्हारी उम्र होगी 7 बार के विधायक हैं, उनको नहीं देख पाए आप किसको देखेंगे? रामपाल जिनके जिनके नाम ले लेंगे हम, वहाँ पे गए थे, 4 लोग संभ्रांत व्यक्ति थे, नगर के सम्मानित लोग थे, उनके घर पे गए, मिलने से मना कर दिया। यहाँ लोगों को क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा आप भी जानते हैं। आप ये बताइए कि जो यहाँ का वोटर है जी, वो वोट क्यों दे भाजपा को? भाजपा ने जमीन से लेकर आसमान तक विकास किया है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। ये पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अगर उनको किसान बिल वापस करना था तो ये पहले कर लेते। जो हमारे किसान भाई मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु तो न होती। हमको इसका भाई साहब जवाब दें, आज भी बैठ के इसको ऐसा है, जो किसान बिल था ये किसान के फायदे में था, लेकिन इस बिल में कुछ खालिस्तानी बीच में आ गए थे और आतंकवाद की श्रेणी में जा रहा था, इसलिए मोदी जी ने झुककर ये किसान बिल वापस लिया। नहीं तो पहले जब देखिए उस बिल का पूरा किसान समर्थन कर रहा है, ये बात तो पहले भी चल रही थी, आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हमारे किसान भाइयों को। गरीब आदमी सबला परेशान है, बताओ भाजपा के कार्य में, बताओ गरीब आदमी कौन तो खुशहाल है ये बताइए। मैं तो अखिलेश यादव को वोट दूंगा या दूंगा मायावती को, दो ही है मेरे कैंडिडेट। अरे तो ये चुनिए, अखिलेश यादव है फिर तो मेरे तो। क्यों है? क्यों है? उनके कार्य अगर देख लो, कोई भाजपा के किन कार्यों से आप नाराज? हर एक कार्य से नाराज है, लॉकडाउन से आज तक लेके ये बता दीजिए आप मुझे, लॉकडाउन से नोटबंदी से गरीब आदमी मरा है, बताओ मालदार कौन मरा है? बैंक में करेंसी आ रही है 50 लाख रुपए की, पत्नी को तो पैसा दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं अन्न? दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? अभी हमें हमारा बोर्ड कॉलोनी में पैसा मिलता है। मेरी बात सुनिए, अभी हमारा बोर्ड है, हमारा राशन है, गरीब रेखा का तो हमको राशन मिल रहा है, ठीक है। अगर हमें बाहर चले जाऊँ तो मेरी फैमिली बाहर है, वहाँ किसी को राशन नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, ऑल इंडिया की बता सकता हूँ मैं, ऑल इंडिया में। एक मिनट। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? हमारा कहना है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हम राशन पे उतालबी नहीं, हमारे बच्चों को शिक्षित थे उनको शिक्षित किया जाए, हमारे बच्चों का जो आज हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, कहीं वो वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा, कहीं वहीं पे लॉकडाउन चला, वो 76 चल रहा, कहीं वो 302 चल रहा है, या क्या चल रहा है? अगर उनकी शक्ति है सरकार में, बस क्या चल रहे हैं? आज हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, कह दिया बगैर पेपर इम्तिहान हो गए, आज बच्चे हमारे बगैर पेपर के आगे लेकर जा रहे, सारी पर माना नहीं जाएगा, क्या बच्चों को बताइए? तो कोरोना टाइम पे तो लॉकडाउन लगा। अरे कोरोना हमारे नहीं हुआ, हम 20 आदमी के बीच में रहते, हमारे कोरोना नहीं हुआ, बैठा दीजिए बाकी है कोरोना वही आज जब था 80 साल पीछे कोरोना वही था, सर्दी जुकाम बुखार आज वही भी है, सर्दी जुकाम बुखार, ऐसा नहीं मानते हैं। आपने वैक्सीनेशन करवाया था हमको? हाँ, वैक्सीनेशन करवाया था, कोरोना से डरता तभी तो कराया। हम मानते हैं जब वो घर घर लगा रहे मानते हैं, फिलहाल हम ये नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चे जो है अनपढ़ होने जा रहे हैं, हमारे बच्चों पर कोई शिक्षा नहीं है, हम गरीबी मजदूरी करने जाते हैं, हम मजदूरी नहीं कर पाते हैं, लॉकडाउन लग गया, हम बैठे वहाँ पे खाने को नहीं घर में, हम घर से लेके गए वो भी खा डाले, लॉकडाउन क्यों लगा? वोटो करो भैया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, नोटबंदी हुई रात में। हमारे पास कुछ लोग और हैं, हम जानते हैं, बताइए 22 का चुनाव कैसा रहेगा? 22 का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, जो आवाज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कि इसमें किसानों का भी फायदा है। जो ये कोरोना काल आया, इसमें जो लॉकडाउन लगाया गया, अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो इसमें हर मजाहिब के लोग, हर मजहब के जो काम करने वाले हैं, सब परेशान थे कोरोना काल की वजह से। जो हमारे मोदी सरकार ने जो कोरोना जो वैक्सीन लगा रहा है, मुफ्त वैक्सीन मुफ्त दे रहे हैं, उसमें हमारा ही फायदा है। अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन फ्री नहीं करते तो हम कोई वैक्सीन लगवा नहीं सकते और हमारी जान चली जाती।
तो सबसे बड़ा काम यही कि हमारी उन्होंने जान बचाई है और जान जान के बदले हमको क्या दिया, कुछ नहीं दिया, बल्कि हम आज उनको बुरा भला कह रहे हैं। क्यों आज अगर उन्होंने माफ़ी, मेरे भाई बता रहे थे उन्होंने माफ़ी मांगी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हमारे बच्चे से गलती हो जाए, अगर हम कीचड़ में गिर जाएं, क्या अपना कीचड़ के पेड़ को धुलते नहीं हैं, बल्कि अपने कीचड़ के पेड़ को धुलते हैं, और उन्होंने माफ़ी मांग ली तो हमें चाहिए अपनी गलतियों को, उन्होंने जब माफ़ी मांग ली तो हमें माफ़ करने देना चाहिए, उनको एक बार और देखना चाहिए 2022 में, उनको लाना चाहिए और लाकर उनके उनके किरदार को, उनके कार्य को देखना चाहिए उन्हें। और देखने वाली बात होगी कि बसपा भाजपा को जो हराएगा वही यहाँ पर विधायक बनेगा। ऐसे में बसपा और सपा के बीच कई टक्कर होने और दोनों की टक्कर भाजपा प्रत्याशी रामपाल वर्मा से ही होगी। कैमरा पर्सन आमिर खान के साथ आलोक सिंह, हरदोई।